अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह टेक्निकल मुदस्सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस तरह का इंट्रो। जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह का इंट्रो बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको एंड तक देखना होगी। दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, तभी आप इस तरह का इंट्रो क्रिएट कर सकोगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों आपने अपने मोबाइल फोन में दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, एक है पिक्सेल ऐप और दूसरी है काइनमास्टर। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने पिक्सेल ऐप को कर लेना अपने मोबाइल फोन में ओपन। ओपन करने के बाद आपके पास इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। दोस्तों आपने यहाँ पर जो आपको बहुत सारे साइज मिल रहे हैं, आपने किसी एक साइज पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने थ्री डॉट पर करना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जाना इमेज साइज, इमेज साइज में जाने के बाद आपने कस्टम पर करना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो है ना यूट्यूब चैनल बैनर साइज सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना यहाँ से ओके। ओके करने के बाद अब हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम जाएंगे प्लस में। प्लस में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे, पेंसिल पर डबल टाइप करेंगे। डबल टाइप करने के बाद कर लेंगे इसे इरेज। इरेज करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना अपने चैनल का नेम ऐड कर, जिस तरह मैं यहाँ पर चैनल का नेम ऐड कर रहा हूँ इसी तरह आपने अपने चैनल का नेम ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने ए पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जाना ए बी में। ए बी में जाने के बाद आपके पास जो है ना यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट शो हो जाएंगे। अगर आप मेरे वाला पिक्सेल ऐप यूज़ करते हैं तो मैंने ऑलरेडी उसमें बहुत सारे फॉन्ट ऐड करके रखे हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपने यहाँ से ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना यहाँ से ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन वाला, आपने इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने इसे कुछ इस तरह यहाँ पर सेंटर में एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद आपने कर देना यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आपने स्क्रीन पर कर देना टच। टच करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपने इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने शेप पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला शेप सेलेक्ट कर लेना, आपने इसे मुकम्मल स्क्रीन पर कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना। जिस तरह मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह आपने मुकम्मल स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद आपने कर देना यहाँ से ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कलर वाला, आपने इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने कर लेना इसे इनेबल। इनेबल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ग्रीन कलर वाला, आपने वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कर देंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से जो है सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपने इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपने इस ऑप्शन पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने इन दोनों पर टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद आपने ये वाला ऑप्शन जो है ना सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आपने कर देना यहाँ से बैक। बैक करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर इरेज कलर में। इरेज कलर में जाने के बाद कर लेंगे इसे इनेबल। इनेबल करने के बाद कर देंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आपने इस ऑप्शन पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट कर लेना। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने इस ऑप्शन पर करना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने सेव सेव एज इमेज पर करना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने कस्टम पर करना क्लिक और यहाँ से आपने अल्ट्रा पर कर देना। अल्ट्रा पर करने के बाद आपने सेव टू गैलरी कर लेना है। अब हम अपने मोबाइल फोन में जो है ना काइनमास्टर एप्लीकेशन को करेंगे ओपन। दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन को कर लिया ओपन। दोस्तों मेरे पास इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है, आपके पास भी इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। दोस्तों आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा प्लस क्रिएट न्यू वाला, आपने इस प्रकार देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने 16:9 रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जाना अपने डाउनलोड फोल्डर, वहाँ से आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आपने इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना इसके शुरू में। शुरू में आने के बाद आपने जाना लेयर में, मीडिया में, फिर जाना अपने अपने पिक्सेल ऐप फोल्डर में, वहाँ से आपने जो नेम क्रिएट किया होगा वो आपने ले लेना है। लेने के बाद आपने इस ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने सब्जेक्ट टू फुल स्क्रीन कर देना और इसका ड्यूरेशन आपने इंट्रो के हिसाब से कर लेना। मैं इसका जो है साइज जो है ना कुछ इस तरह ड्यूरेशन मैं इसका 7 सेकंड कर लेता हूँ। 7 सेकंड करने के बाद कर देंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आपने ऊपर वाले वीडियो पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने सीजर पर जाना। सीजर पर जाने के बाद आपने ट्रिम एड प्ले हेड कर देना है। इसे कुछ इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आपने नेम पर करना क्लिक और इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा आपने बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद आपने कर देना यहाँ से ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपने इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने 1080 पर रखकर यहाँ से आपने सेव कर लेना है। दोस्तों आपने वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद आ जाना बैक। बैक आने के बाद आपने प्लस क्रिएट न्यू पर करना क्लिक। 16:9 रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जाना अपने डाउनलोड फोल्डर, वहाँ से आपने ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। आपको तमाम मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपने इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे कुछ यहाँ पर रोक लेना। रोकने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, फिर आपने जाना अपने एक्सपोर्ट फोल्डर, वहाँ से आपने वीडियो ले लेना जो आपने एक्सपोर्ट किया था पहले। फिर आपने इस ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेपरेट फुल स्क्रीन कर देना और कर देना यहाँ से ओके।
ओके करने के बाद आपने फिर इसी वीडियो पर करना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जाना क्रोमा की में और इसे कर लेना इनेबल। इनेबल करने के बाद आपने कहा जाना यहाँ से बैक। बैक करने के बाद आपने जाना इन एनिमेशन में। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपने यहाँ से जो है ना वाइप राइट इन एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने कहा जाना यहाँ से ओके। दोस्तों अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये किस तरह वर्क कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये मुकम्मल जो है ना क्रिएट हो चुका। अब हम करेंगे इसे सेव। सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने इसे यहाँ से सेव कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुदस्सर को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।